Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला भी बनाए। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन तीनों में फ़र्क क्या है। कल हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने इनके नफ़ा और नुकसान यानी फ़ायदे और नुकसान के ऊपर हमने बात की थी। आज हम इनका फ़र्क आपको बताएंगे, इन तीनों में फ़र्क क्या है बेसिकली। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है कि दो क्लिक कर दीजिएगा, एक लाइक का और दूसरा सब्सक्राइब का, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में हमने जो पॉजिटिव मैसेज का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो भी आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों जो एटीएम कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसके साथ वो लिंक होता है, आप उसको यूज़ करते हुए अपने जो अकाउंट के अंदर पैसे हैं वो निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक में मौजूद रकम जो होगी उसको निकाल सकते हैं। ये होता है एटीएम कार्ड। अब आ जाता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या चीज़ है? डेबिट कार्ड जो होता है वो उससे एक स्टेप आगे लगा लें आप, थोड़ा सा एडवांस है। वो कैसे कि आप अपने बैंक से भी पैसे निकलवा सकते हैं, दूसरे किसी बैंक से भी निकलवा सकते हैं क्योंकि ये वन लिंक होता है, और दूसरे नंबर पर आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं या किसी बड़े मॉल पे जहाँ पे डेबिट कार्ड को स्वाइप करने की फैसिलिटी है, आप वहाँ पे मनी नहीं लेके जाएंगे, आप प्लास्टिक मनी, ये जो डेबिट कार्ड होता है ये प्लास्टिक मनी कहलाता है, आप प्लास्टिक मनी यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करेंगे और पैसे निकाल लेंगे। ये होता है डेबिट कार्ड। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड जो है इससे भी एक स्टेप आगे है, इससे भी ज़्यादा एडवांस है डेबिट कार्ड से भी। ये क्या चीज़ है? ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आप इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो असल मकसद है वो ये है कि जो जिस भी बैंक के साथ आप मुंसलिक हैं, जिससे भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वो आपको अपनी मनी के ऊपर एक्सेस दे देता है। अपनी मनी के ऊपर एक्सेस कैसे? कि आप किसी भी आपको एक लिमिट होगी, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि तीन कैटेगरीज होती हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो आपके कार्ड की एक लिमिट होगी, आप उस लिमिट में रहकर आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी, ठीक है। और इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इसके नुकसान को एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ये आप एक मखसूस टाइम दे देते हैं, ज़्यादातर बैंक्स का वैसे 10 दिन होता है, बाकी हर बैंक का अपना टर्म एंड कंडीशन होता है। आप उनके जो पैसे यूज़ करते हैं उनका एक टाइम, उन्होंने टाइम फ्रेम दिया होता है, उसके अंदर अंदर अगर आप वो रकम उनको वापस करते हैं तो आपने जितनी रकम यूज़ की होगी आपने उतनी ही वापस करनी है। लेकिन अगर आप उसको उस टाइम फ्रेम से आगे चले जाते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो कि सूद होता है, सूद आपको भी पता है हराम है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा अपने देखने जानने वालों को कि भाई क्रेडिट कार्ड से बचा जाए। ये वैसे भी बंदा इसके जब इसकी लत पड़ जाती है नजायज़ किसी को, तो बंदा इसके कर्ज तले भी दबता जाता है। तो ये बेसिक फ़र्क थे जो मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हमेशा की तरह आज के पॉजिटिव मैसेज की तरफ। आज का पॉजिटिव मैसेज है, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।